अध्यक्ष रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। अब उनके चले जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उत्तराधिकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि टाटा ग्रुप का रेवेन्यू कई देशों के जीडीपी से ज़्यादा है। बीते वित्त वर्ष के दौरान इस ग्रुप ने दुनिया के 100 से भी ज़्यादा देशों में कारोबार कर 165 बिलियन का रेवेन्यू जुटाया था। 165 बिलियन का रेवेन्यू जुटाया था। कौन बनेंगे टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष? टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का सत्वाधिकार टाटा सन्स के पास है। इसी टाटा सन्स की 60% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है। कल तक इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा थे, अब इसका शीर्ष स्थान खाली है। इसके नए अध्यक्ष का चयन ट्रस्टी बोर्ड करेगा। इस पद पर कौन आएंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई है कि नोएल टाटा या साइरस मिस्त्री के परिवार का कोई व्यक्ति ट्रस्ट के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि अभी तक टाटा ट्रस्ट का नेतृत्व पारसी समुदाय के लोग ही करते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा इस ट्रस्ट के कमान संभाल सकते हैं। इस समय वह टाटा इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं। उन्हें रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वह टाटा ट्रेंट और वोल्टास का भी नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन वह सदैव लो प्रोफाइल ही रहे हैं। सन्स में 18.3% की हिस्सेदारी रखने वाला शापुरजी पलोनजी ग्रुप भी टाटा समूह में अच्छी पकड़ रखता है। तभी तो जब रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2010 को टाटा सन्स की अध्यक्षी छोड़ी थी, इसी परिवार के साइरस मिस्त्री इस कंपनी के अध्यक्ष बने थे। हालांकि उन्हें 2016 में ही यह पद छोड़ना पड़ा था, तभी से दोनों परिवार के बीच का सौहार्द भी बिगड़ा है। लेकिन शापुरजी पलोनजी समूह की टाटा सन्स में इतनी हिस्सेदारी तो है ही कि वह बोर्ड रूम के निर्णय को प्रभावित कर सके। टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चाहे जो हो, उन्हें ढेरों काम करने हैं। इस समय रिजर्व बैंक के बदले नियमों की वजह से टाटा सन्स को शेयर बाजार में लिस्ट कराने का दबाव है। साथ ही टाटा ग्रुप की जो कार्यशैली है उसे भी बरकरार रखने की चुनौती है। उनके ऊपर शापुरजी पलोनजी परिवार से भी संबंध पूर्ववत करने की चुनौती होगी। ऐसा हो सकेगा तो भविष्य में तनावपूर्ण माहौल से निजात मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने आए थे कि टाटा कंपनी के अब नए चेयरमैन नए मालिक कौन होंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।